हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेपीपे आईडी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, यानी कि आप रेपीपे की आईडी कैसे ले सकते हो। दोस्तों, रेपीपे आईडी लेने के लिए आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी को एक रुपये भी देने की ज़रूरत है। यहाँ पे रेपीपे आईडी रजिस्ट्रेशन करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। आप रेपीपे आईडी खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रेपीपे आईडी लेकर आप अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, यानी कि एईपीएस सर्विस को यूज कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप इनमें कई सारी सर्विसों को यूज कर सकते हो और अपने कस्टमर को बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराकर आप अपनी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। रेपीपे आईडी से जो भी आप सर्विस को यूज करते हो और अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, उन सभी सर्विसेज पे आपको अच्छा कमीशन दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि रेपीपे आईडी लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में पूरे प्रोसेस के साथ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। रेपीपे आईडी लेने के लिए रेपीपे एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या फिर इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रेपीपे एजेंट क्लिक टू साइन अप नाउ का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट से देना होगा रेपीपे आईडी लेने के लिए। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। तो आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे आधार कार्ड है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप रेपीपे आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको रेफरल कोड डाल देना है। रेफरल कोड आपको स्क्रीन पे शो होता होगा, तो आप ये वाला रेफरल कोड डाल दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक रेफरल कोड डाल देता हूँ। रेफरल कोड डालने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का कैप्चा कोड आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, तो चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी को एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी और कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको अपने पोस्टल का पिन कोड फिल करना है और यहाँ पे आपको अपने सिटी का नाम फिल करना है। आपकी शॉप किस टाइप की है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपकी शॉप CSP है या जनसेवा केंद्र है, टेलीकॉम शॉप है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने POI एंड PO का पेज आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पहले पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड के फ्रंट साइड फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड के फ्रंट साइड फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे राइट ग्रीन टिक आ जाएगा। इसी तरीके से आपको आधार कार्ड का बैक साइड फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको गैलरी से ले लेते हैं। यहाँ पे हमने आधार कार्ड का बैक साइड फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे भी ग्रीन टिक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा फ्रंट साइड का। तो चलिए यहाँ पे हम पैन कार्ड को भी गैलरी से ले लेते हैं और यहाँ पे पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन कार्ड के फ़ोटो को भी अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ विथ डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लेनी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपनी एक फ़ोटो सेल्फी लेनी है।
तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से गैलरी से एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो फ़ोटो आपको कुछ इस तरीके से लेनी है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप अपलोड जीएसटी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है तो इसको आप खाली छोड़ दो, ये हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आने वाला है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर शॉप कंपनी नेम में आपको अपना नाम डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर कर देना है जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है तो यहाँ पे चलिए हम पिन कोड डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिटी का नाम डाल देना है। आप जिस भी सिटी से हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने शॉप का एड्रेस डालना है तो चलिए यहाँ पे हम शॉप का एड्रेस डाल देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एजेंट फ़ोटो विथ शॉप, यानी कि आपका और आपकी दुकान का फ़ोटो यहाँ पे आपको साथ में लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे एजेंट सिग्नेचर को फ़ोटो अपलोड करना है, यानी कि आपको साइन करना है वाइट पेपर पे और उसके फ़ोटो लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने साइन कर दिया है और इसको यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप शॉप एरिया टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रूलर से हो या फिर शहर से हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी, आप एक बार इसको ठीक से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाओगे, यहाँ पे आपके सभी फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो आप एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ पे आपको चेकमार्क कर देना है। चेकमार्क करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखता है तो सिंपली यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैंसिल और यस का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा सक्सेस का और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका आईडी है जो 5 से 10 मिनट के अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा रेपीपे आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको रेपीपे आईडी में लॉगिन कैसे करना है फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय।